में जो का जो सिलेबस है जो क्योंकि बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी भाषा का व्याकरण का क्या सिलेबस है तो वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा के सिलेबस को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला भाग है पाठ्य पुस्तक का और दूसरा भाग है व्याकरण का। तो यहाँ पर आज हम व्याकरण का भाग डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो टोटल जो एक पेपर होगा वो बेटा 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें आपकी गद्यखंड काव्यखंड और कृतिका आ रही है वो आएगी आपकी 34 मार्क्स की 34 नंबर की, और जो आपकी व्याकरण है वो टोटल 46 नंबर की आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं व्याकरण का जो वेटेज है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आज मैं आपको व्याकरण को तीन भागों में विभाजित करके बताऊंगी कि आप तीन भागों से किस तरीके से पढ़ सकते हैं और किसमें आप ज्यादा नंबर ले सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ट्रिक्स मैं आपको भी बताऊंगी कि आप कौन से चैप्टर को या कौन सा टॉपिक को कैसे पढ़े या उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला जो भाग है वो बेटा है गद्यांश और काव्यांश का। ये अपठित होते हैं। क्या होते हैं? अपठित होते हैं, जो आपने पहले से पढ़े हुए नहीं होते। तो इसके लिए आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, लेकिन आप इनकी ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि इसमें से आप 10 लेकर आ सकते हैं। वो कैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा अपठित गद्यांश और काव्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, उनके प्रश्न पढ़ेंगे और फिर आप उस जो पद दिया है या जो गद्यांश दिया या काव्यांश दिया उसको पढ़ेंगे। धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ने लगेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो 2 से 3 मिनट हो जाएगी। हार्डली आप 3 मिनट में एक गद्यांश को या काव्यांश को हल कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता और इसमें पूरे के पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, गद्यांश में से ही पूछा जाएगा। ये देने का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप कितनी सूझबूझ से सही उत्तर का चयन कर सकते हैं, आप मेंटली कितने एक्टिव हो, आपका माइंड कितना शार्प है कि आप फटाफट से सेम चीजों को सेम आंसर को ढूंढ सकते हो। गद्यांश दिया रहता है उसी में से ही आपको आंसर ढूंढने हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। दूसरा जो हमारा खंड आता है वो आता है प्रॉपर जो व्याकरण हम कह सकते हैं। इस बार इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 4 ही टॉपिक है और चारों जो है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 4 में से कोई एक आंसर को टिक करना है, वो आपको बताना है। अच्छा, अलंकार के 4 क्वेश्चन आएंगे, पद परिचय के 4 आएंगे, वाच्य के 4 आएंगे और रचना के आधार पर वाक्य भेद के भी 4-4 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब चारों चारों जो क्या होंगे वो MCQ होंगे। आपसे क्या कर लिया जाएगा, अलंकार के किसी भेद का एक उदाहरण दे दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बताना पड़ेगा कि अलंकार का कौन सा भेद है। पद परिचय में आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे राम स्कूल जा रहा है, इसमें क्या क्या है। राम संज्ञा है, स्कूल जगह है, स्थानवाचक है, जाना क्रिया है, जाना सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो इसकी पूरी एक लाइन बना दी जाएगी और आपको पहचानना है कि व्याकरण के कौन से नियम उसमें लगते हैं। इसी तरीके के सेम 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर अलंकार के भेदों से 4 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर वाच्य के भेदों से 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि वो कर्मवाच्य है, कर्तावाच्य है या फिर भाववाच्य है। दूसरा, आपको कोई एक वाक्य देकर ये कह दिया जाएगा कि इसको भाववाच्य में अगर हम परिवर्तित करते तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेम ऐसा ही रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपसे वाक्य देकर सही भेद की जानकारी ली जाएगी। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिसमें एग्जामिनर आपकी ये नॉलेज चेक करना चाहता है कि आप उस टॉपिक से कितना परिचित हो, आप भेदों को जानते हो या नहीं। यहाँ पर भेद और उदाहरण दो की बहुत ज्यादा महत्वता होगी। आपको परिभाषा रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, कितने भेद हैं ये भी नहीं पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछा जाएगा कि अलग अलंकार के, हम अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार के कौन से भेद, कौन सा जो उदाहरण है वो अनुप्रास अलंकार का होगा। तो आपसे सही भेद की पहचान कराई जाएगी। तो इस तरीके से 4-4 करके 16 नंबर का टॉपिक यहाँ से बनता है। बहुत जल्दी हो जाने वाले टॉपिक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा होगा तो। और टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत जल्दी हो जाने वाले टॉपिक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सभी बच्चों को इसमें अलंकार बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको अलंकार की भी कोई एक अगर आपको आसानी से समझना है तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब दूसरा जो हमारा जो थर्ड पार्ट आता है, सबसे मेजर पार्ट है 20 नंबर का, इसमें कंप्लीटली आपको लिखना, ये आपका लेखन कौशल है और ये जो पॉइंट है वो आपका सबसे ज्यादा टाइम मांगता है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद,
अब यहाँ पर दो तरीके से पत्र दिए गए हैं, पत्र या स्वागत क्या होता है बेटा आपका, बायोडाटा, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो बायोडाटा होता है, ये बहुत लेंथी होता है, बहुत बड़ा होता है, ये टाइम ले सकता है, लेकिन इसमें नंबर पूरे मिल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर क्या ऑप्शन है कि आप पत्र कौन सा चूज करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा या यहाँ पर औपचारिक पत्र दे देंगे या फिर यहाँ पर, मतलब आपको पत्र दोनों ही करने, औपचारिक भी और अनौपचारिक, ऑप्शन में दोनों ही दे सकता है। अगर आपको पत्र नहीं करने तो आप स्वागत के मतलब बायोडाटा या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में भी लेंथ जो है उसकी छोटी होती है, थोड़ा आसान होता है। तो मेरा ऑप्शन रहेगा कि आप एक ईमेल को चूज करो और एक आप पत्र करो या स्वागत करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट जो है विज्ञापन या संदेश। इसमें जो सबसे इजी है वो विज्ञापन होता है, जो आप देखते हो सड़कों पर कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट होता है, विज्ञापन होता है दाल का, साबुन का, बहुत सारी चीजें। तो उसमें आपकी भाषा देखी जाएगी कि आप अपने भाषा को खुद रोचक कैसे करते हैं, और स्वागत इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। इसमें भी नंबर लेना जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आप चित्र बनाओगे, शब्दों जो मात्राएं बहुत कम होती होगी, कम करती होंगी, तो नंबर कम करने के बाद अगर आप थोड़ा सा अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो यहाँ पर आप नंबर आसानी से पा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग के ही नंबर मिलते हैं, और जब कम लिखोगे तो कम स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ पर नंबर पूरे मिल सकते हैं आपको। ईमेल में आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे अनुच्छेद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम लिखे तो लिखे कैसे। अब जो CBSE करने लगी है वो क्या करने लगी है, अनुच्छेद के लिए आपको 3-4 पॉइंट देने लगे, ठीक है। आप उन पॉइंट्स पर ही एक्सप्लेनेशन करोगे, लेकिन उसकी शुरुआत में आप 2 पॉइंट जोड़ दोगे। अगर 6 नंबर का अनुच्छेद है तो आप कम से कम नहीं तो 6 पॉइंट तो अवश्य लिखो, जिसमें से 4 पॉइंट CBSE खुद देता है कि अनुच्छेद दे दिया, अगर मान लो कि नशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पॉइंट दे दिया गया, तो वो कैसे हानिकारक है। अब CBSE खुद से ही 4 पॉइंट देता है कि आप इन 4 पॉइंट्स को कवर करो, लेकिन आप 2 पॉइंट जो हमेशा ऐड कर सकते हैं अनुच्छेद के लिए वो ये है कि आप सबसे पहले प्रस्तावना ऐड करो, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और जब आप खत्म करोगे अपना अनुच्छेद तो उसके भी लास्ट में आप निष्कर्ष दे सकते हो, ठीक है। और बीच में आप उनके दिए हुए 4 पॉइंट को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आपके 6 पॉइंट हो जाएंगे, और हर पॉइंट का एक नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ट्रिक होती है बेटा नंबर खुल लेने, ठीक है। तो एग्जामिनर जब चेक कर ले कि आपने 6 अलग अलग बातों के बारे में बात की गई है, और 1 मार्क्स का आपने 4 पॉइंट्स के बारे में किया, तो इससे आपको अनुच्छेद में मार्क्स मिल जाते हैं। ये लेखन कौशल है, इसको जितना आप रचनात्मक बनाओगे ना, जितना आप इसको खूबसूरती से लिखोगे, आपको उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप पत्र लिखते हो तो आप उसको फॉर्मेट में लिखो, खूबसूरत फॉर्मेट में लिखो तो आपको नंबर मिलते हैं। ईमेल जो है वो भी आप फॉर्मेट में लिखते हो तो नंबर मिलते हैं। विज्ञापन उसका भी फॉर्मेट होता है, उसमें लिखते हो तो नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आप उसको जितना खूबसूरती से उसकी व्याख्या करोगे, उसको प्रदर्शित करोगे, उस चीज़ के नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो वर्णात्मक में था आपके जीवन में आ रहा था नंबर से लिख रहे हो, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको ठीक ढंग से। हर हर देखो इसका भी एक फॉर्मेट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारूप, उसका एक प्रारूप है जिसमें 6 पॉइंट लिखे जाते हैं, पत्र में ऊपर जो एड्रेस वगैरह लिखा जाता है। अच्छा, औपचारिक और अनौपचारिक में दोनों में फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप जितना फॉर्मेट में चीजें लिखोगे उसके हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से आपको आपकी जो व्याकरण है वो 46 मार्क्स की हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, और देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, सिर्फ आपको इसमें फॉर्मेट की को देखना है। 3 चीजों पर आपको बात करनी है, तो फॉर्मेट आपको करना है, व्याकरण के नियमों को जानना है, प्लस फोकस होकर पढ़ना है। जब आप फोकस होकर पढ़ोगे तो गद्यांश और काव्यांश भी आपसे अच्छे होंगे, और जो पाठ्य पुस्तक के 34 नंबर है वो भी आपसे अच्छे से होंगे। तो सिर्फ फोकस होकर पढ़िए, मार्क्स बिल्कुल आपके हाथ में है, फुल मार्क्स इवन आप लोग लेकर आ सकते हैं, मिलते हैं अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स से 1-2 नंबर कट ही जाता है, लेकिन आप हिंदी भाषा में आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं।